हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेक्स ब्राइट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मैट्रिसेस क्या होता है और उसकी कौन सी टाइप्स है और इस पर कौन से ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिफाइन करें। सिमेट्रिक मैट्रिसेस is a square matrix that is equal to its transpose। कहने का भाव है अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है जो कि इक्वल होता है इसके खुद के ट्रांसपोज पे। मानकर चलिए हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिमेट्रिक मीन्स सेम, जिसकी ऑर्डर यानी डायमेंशनल सेम हो। तो फॉर्मली इसको डिनोटेड इस तरह लेकर चलेंगे, ए इज मान के चलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिमेट्रिक, ए इज इक्वल टू ए टी, यानी ए सिमेट्रिक होगा कब, जब उसका हम ट्रांसपोज कर दें और वो ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आगे हम बात करते हैं अभी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए कौन सी नेसेसरी ऐसी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखेंगे ओनली स्क्वेयर मैट्रिसेस कैन बी सिमेट्रिक बिकॉज इक्वल मैट्रिसेस हैव इक्वल डाइमेंशंस, या डायमेंशन की बात हो रही है सेम ऑर्डर की। कहने का भाव है अभी ओनली हम स्क्वेयर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैव इक्वल डायमेंशन, मतलब जो सेम ऑर्डर का होगा उसका हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वही अगर आ जाए हमारे पास मैट्रिक्स जो हमने लेकर चला है ए मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स, उसे हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, द एंट्रीज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द मेन डायगोनल। कहने का भाव जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम एंट्रीज करेंगे वो सिमेट्रिक होगी किसके रिस्पेक्ट, मेन डायगोनल। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेकर चलें, हमारे पास ए मैट्रिक्स ले लिया हमने कोई 3, 2 and 4, 2, 0, -5, 4, -5 and 1 जो कि 3x3 का है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, क्या करते हैं ट्रांसपोज, यानी जो फर्स्ट रो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। सो 3, 2, 4, 2, 0, -5, 4, -5 and 1। ए मैट्रिक्स में हमने बात करें जो इसका जो डायगोनल है उसके रिस्पेक्ट हम अगर हम रो और कॉलम को चेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज हम देखें मेन उसके डायगोनल से,
जो कि इसके हिसाब से सेम है, और उसके हिसाब से रो और कॉलम भी सेम है। कहने का भाव अपनी जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो है, और उसका ट्रांसपोज करने पे भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर यानी एलिमेंट की पोजीशन सेम रहे। जैसे ये 3x3 का है तो सेम एलिमेंट है, यहाँ पर देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका रिजल्टेंट भी हमें क्या मिलेगा, 3x3 का ही मिलेगा। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे 2x2 और 4x4 मैट्रिसेस के, अगर उनके ट्रांसपोज करने पर द नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन सेम रही तो उसे हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे हम बात करेंगे जो सेकंड टॉपिक हमारा वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर व्होज ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कहने का भाव, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें, उसका ट्रांसपोज कर दें, और उसका ट्रांसपोज का जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर्मली इसे हम डिनोटेड करते हैं ए स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इम्प्लाई उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, उसके नेगेटिव के। यानी का भाव, अगर हमने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, उसका ट्रांसपोज कर दें, और उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, जो ए मैट्रिक्स लिया था उसके नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास ए ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, 3x3 की बात कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3, -2, 4 एंड -1, -3 एंड 1 एंड 0, जो कि 3x3 का है। अगर ये -a के इक्वल आ जाए, कहने का भाव 1, -2 एंड -3 एंड 2 एंड 4 एंड 1 एंड 3 एंड -1 एंड 0, और 3x3 आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हमने जो ट्रांसपोज लिया था उसका हमने ए मैट्रिक्स किया, जैसे रो को उसके अंदर किसके अंदर चेंज किया, कॉलम के अंदर, लेकिन जो निशान आ जाए वो क्या आ जाए, नेगेटिव का आ जाए। जैसे यहाँ पॉजिटिव का है और यहाँ क्या आ जाए, नेगेटिव का। जो कंडीशन हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखी डायगोनल से रिस्पेक्ट, इसी प्रकार इसमें भी डायगोनल की पोजीशन सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो रो और कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, उसे हम क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एक थ्योरम की। सो थ्योरम की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमने कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया विद रियल नंबर के साथ, रियल नंबर एंट्री ए प्लस ए टी यानी ट्रांसपोज उसका इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स इस थ्योरम में बात कर रहा है अभी, फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए, कोई ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ले लिया विद रियल नंबर की एंट्री के साथ, अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कब कहेंगे, अगर ए मैट्रिक्स लिया है और उसका ट्रांसपोज कर दें और उसे एडिशन कर दें उसे भी हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से जो ए मैट्रिक्स लिया है उसका ट्रांसपोज कर दें और उसका क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ये, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो लेट हम मानकर चलेंगे बी कोई मैट्रिक्स ले लिया, इसी को मैट्रिक मैट्रिक्स को मान लिया ए प्लस उसका ट्रांसपोज। सो देन अब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें पता है जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज कर दें और उसका वही एलिमेंट आ जाए वही, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। सो इसका हो जाएगा ए डैश, यानी ए डैश ले लो या टी ले लो ये की बात है, ए डैश प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका ए डैश है, ये आ गया ए डैश। ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स जो ए हमने लिया है वही आ जाता है। ये होता है जो, ये इसलिए होता है क्योंकि मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी लगती है जिसे हम कॉमुटेटिव कहते हैं, वो ये है, इसलिए ये होता है। इसे हम आगे लेक्चर में फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद हमने इसको किस चीज़ के बराबर लेकर चला था, बी के, तो ये क्या आ गया, बी। सो इसलिए हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड हमने क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लिख लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट हम सपोज करके चलेंगे जो पीछे दिया हुआ था हमने उसको ले लिया ए माइनस ए डैश, यानी जो हमने पीछे दिया हुआ था उसी को। तो देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाए, जिसे हमने पीछे बात की थी उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसका हमने सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, ए माइनस ए डैश का ने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो ये आ गया ए डैश माइनस ए डैश का डैश, और ये आ गया ए डैश माइनस ए। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब इसके नेगेटिव साइन के, ये ट्रांसपोज जब इसके नेगेटिव साइन के बराबर आ जाए, तो हमने इसके क्या ले लेना है, नेगेटिव साइन। ए डैश माइनस ए ये किसके इक्वल आ गया, ए माइनस ए डैश, जो कि हम किसके इक्वल लेकर चले थे, सी, यानी हमारे पास क्या आ गया, सी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमने सी सपोज किया था ए माइनस ए डैश, वो हमारे पास क्या आ गया, सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे जो सम की, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जो इसका सम होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो होता है ए कोई मैट्रिक्स ले लिया वो होता है ए इज इक्वल टू हाफ, ये स्केलर है, ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। जो ऊपर हमने प्रूफ किया था ये किसके लिए किया था, सिमेट्रिक के लिए, और ये हमने किसके लिए किया था, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, क्यों सिमेट्रिक के लिए। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक पर कोई स्केलर यानी हाफ मल्टीप्लाई कर दें और उनको ऐड करें, वो किसके, जो हमने मैट्रिक्स लेकर चला है ए, उसी के अकॉर्डिंग ए इक्वल बराबर आ जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
और जो हम ए लेकर चल रहे हैं वो क्या है, वेयर ए इज एन स्क्वेयर मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता ही है सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए स्क्वेयर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, जो कि 100% बोर्ड का जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर श्योर है, जो आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अक्सर क्या पूछा जाता है, वो कहते हैं एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, हमें कोई एक ऐसा मैट्रिक्स एक्सप्रेस करना है जो कि हमें गिवन है पहले से, जो -2, 3 एंड 1, 1 एंड 3 एंड 2, 5 -4 एंड 5, जो कि 3×3 का है। एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका सिमेट्रिक पहले हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करेंगे, फिर उसका सम कर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हम एक्सप्रेस्ड जो पूछा है उसे उसका मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सोल्व। सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि ऊपर दिया हुआ है 2 -2, 3 1 1, 3 2, 5 -4 एंड 5, जो कि 3×3 का है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ये आ गया हमारे पास जो फर्स्ट रो, उसको हम किसके अंदर चेंज कर दें, कॉलम के अंदर, यानी 3 और 1, 1 3 एंड 5 2, और 5 -4 एंड 5, हमने रो और कॉलम को क्या कर दिया, इंटर। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, सम, क्योंकि तभी तो हम उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका सम करते हैं यहाँ से यहाँ -2 और इधर से -2। जिस फ्रेंड्स को अभी तक सम या सब्ट्रैक्ट करना नहीं आया वो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जाकर देख सकता है, उसमें हमने पूरे क्लियर कट तरीके से समझाया हुआ है कि किस तरह हम दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। +5, जो कि यही 3×3 का है, तो उसे रिजल्ट करके हमारे पास आएगा -4, 4 और 6, 4, 3, 3, 6, -2 और 6, और -2 और 10, जो कि 3×3 का हमारे पास आ गया है। अब हमें इसका क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें दिया हुआ है। सो हाफ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a+a'। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आपको -4, 4 एंड 6, 4, 6 -2, 6 एंड -2 एंड 10, ये आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाएगा -2, इसके साथ क्या, तो 2, 3, 2, 3 -1 और 3 और -1 और 5, ये हमारे पास 3×3 का ही है, ये भी 3×3 का ही है। ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे पता चला, क्योंकि हम अगर डायगोनल के मेन इसके डायगोनल के रिस्पेक्ट देखें, अगर रो को कॉलम के अंदर चेंज करें और कॉलम को रो के अंदर चेंज करें तो ये हमारे पास वैसा का वैसा ही एलिमेंट रहता है, इसे हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे हम बात करते हैं
एक्सक्यूज मी ट्रिकी अगेन। अब हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि पीछे हमने क्या किया था, एडिशन। एडिशन किसके लिए होता है, सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और माइनस किसके लिए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो सो हम इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 + 2, 3 - 1 एंड 1 - 5, 1 - 3 एंड 3 - 3, 2 + 4, 5 - 1 एंड -4 - 2 एंड -5 - 5, 3 × 3 का है। इसका जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 0, 2 - 4 -2 0 6, 4 - 6 और 0, 3 × 3 का आ गया हमारे पास। स्पेस थोड़ी थी इसलिए कर दिया फ्रेंड्स। आगे हम हाफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे मैट्रिक्स को, 0 2 - 4 - 2 0 एंड 6, 4 - 6 एंड 0, जो कि 3 × 3 का है। तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिल गया, हमें रिजल्टेंट में मिल गया 0 1 - 2 - 1, 0 एंड 3 एंड 2 और -3 और 0। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स आ गया। अब अगर हम मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट इसके देखें, रो और कॉलम को चेंज करें, तो ये किसके आता है, रो नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हमने इसके कंप्लीट सम करना है, वो किसके इक्वल होता है, जो ए मैट्रिक्स लेके चलते थे, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये हमारे पास रिजल्टेंट होता था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हमें गिवन था, वो क्या था, -2 3 1, 1 3 एंड 2, 5 - 4 एंड 5 इक्वल टू, इसका हमें क्या रिजल्ट मिला, जो पीछे मिला था वो मिला था -2 एंड 2 3, और ये 2 3 - 1 3 - 1 एंड 5। उसके बाद ऐड, फिर इसका रिजल्ट जो हमने ऊपर प्रूफ किया है, 0 1 - 2 - 1 0 3 2 - 3 और 0, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसका ऐड करें तो जो हम गिवन मैट्रिक्स लेके चले थे उसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा राइट है। अगर ए के इक्वल जो हमारा सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक का सम पर ना आता तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होता, गलत होता। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर ये समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।